अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। आई एम श्योर आपने टाइटल देखा है इस वीडियो का कि हजार साल पुराना जो ऑयल है ये मैंने एक्वायर किया है एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑयल। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने ये ऑयल आज आपको दिखाऊंगा जो हजार साल पुराना है, बट आई नेवर अंडरस्टैंड कि अगर एक हजार साल पुराना या सौ साल पुराना, हैव यू एवर रियलाइज्ड कि जब हम कभी ऊद लेने जाते हैं या कभी किसी अच्छी दुकान में या महंगी दुकान पर जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास एक ऊद पड़ा हुआ है जिसका नाम है कलाकासी ऊद जो 50 साल पुराना है, और वो कलाकासी ऊद या मे भी कोई सेलर कहता है जी हमारे पास एक ख़ास बैच है जो हमारे दादा ने या परदादा ने रखा था और वो आज भी अवेलेबल है, इट्स बीन 100 ईयर्स कि वो हमारी फैमिली के अंदर ट्रेवल कर रहा है और आज भी हम उसको बेच रहे हैं। बट वी नेवर अंडरस्टूड, या हमने कभी ये क्वेश्चन किया है कि ये जो 100 साल पुराना ऊद ऑयल जो विंटेज है जो आपके पास पड़ा हुआ है ये ख़त्म क्यों नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू कि अगर ये ऑयल इतना पुराना है तो इसकी ऑथेंटिकसिटी क्या है? आई मीन हाउ वुड यू रियलाइज या हाउ वुड यू प्रूव इट कि ये ऑयल इतने साल पुराना है? जैसे इंसान के DNA से जेनेटिक कोडिंग हुई होती है और उसे आप उसकी एज का ऑलमोस्ट आइडिया लगा लेते हैं, सेम गोज टू अल्लाह ताला ने इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर यानी इस ऑयल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ऐसी कोई कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन होगी जो प्रूव करती होगी कि ये जो ऊद ऑयल है या खस ऑयल है ये इतने साल पुराना है। एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है सऊदी अरब के अंदर, आई डोंट वॉन्ट टू नेम, वो क्लेम करते हैं जी 150 साल पुराना उनके पास ऊद है, और इस बात को आई बिलीव 5-7 साल सुनते हुए मुझे हो गए, और वो इतनी रिप्यूटेड कंपनी है कि उनके हजारों लाखों उनकी क्या कहते हैं कस्टमर हैं, आज तक उनका ऑयल ख़त्म नहीं हुआ। सेम गोज टू इंडिया में एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी है जो जिनके पास 5 साल पहले एक इंडियन रिव्यूअर आई थिंक परफ्यूम गुरु वाले परफ्यूम गुरु निखिल, वो उन्होंने उसके एक विंटेज ऑयल जो 21 साल पुराना ऊद ऑयल था वो उनका रिव्यू किया, और ये 5 साल ये 4 या 5 साल पुरानी बात है, और कुछ अर्सा पहले एक और रिव्यूअर जो इंडियन था वो उसके पास गया, उस दुकान पे गया और उन्होंने कहा जी ये हमारा 21 साल पुराना क्या कहते हैं विंटेज ऑयल है ऊद का, उसकी आज तक एज ही नहीं बढ़ी। यानी 5 साल पहले भी वो 21 साल पुराना था, आज भी वो 21 साल पुराना है, वो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं होता? ये चीज़ हमने कभी रियलाइज़ की? और फिर अगर आप कभी किसी सेलर से इन डेप्थ डिस्कशन करें तो वो बात को शिफ्ट अप कर देगा। द मोमेंट यू विल से कि यार अच्छा ये ऊद इतना पुराना है आप इसकी मुझे लैब रिपोर्ट दें, तो वो लैब रिपोर्ट पे कहेगा नहीं 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 सर, ये ऑयल इतना पुराना नहीं है, ये वुड इतनी पुरानी है, यानी ये ऊद चिप्स जो हैं जिससे हमने डिस्टिल किया था इट्स अबाउट 100 or 200 years ओल्ड, यानी वो इतना पुराना है 100-200। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके पास एक बैच पड़ा है जिसको आपने डिस्टिल करने के लिए एक्वायर किया और आपने उठाया, लेट से आपने जो क्या कहते हैं चिप्स या अगरवुड से जो आपने एक्वायर किया डिस्टिलेशन करने के लिए उसको पाउडर किया, क्या आप उसको इतना लंबा कीप करेंगे 100 साल तक? उसको कीड़ा लग जाएगा फ्यूमिगेशन के बगैर, तो मतलब कि लकड़ी को भी तो कीड़ा लगता है ना जी, और उसके अंदर बेसिकली क्या ऑयल कंटेंट बचेगा आफ्टर दैट लॉन्ग पीरियड? आप में से अगर कोई बंदा ये लकड़ी के मामलात को जानता हो तो यू आपको आइडिया होगा कि ये वुड जो है बेसिकली ड्राई आउट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे हम उनसे ये पूछते हैं कि यार ये जो ऑयल आप सेल कर रहे हैं ये इतना पुराना है, इसके आपके पास क्या प्रूफ है, वो साथ ही उसको डिवर्ट कर देता है, नो सर ऑयल इतना पुराना नहीं है, ये वुड बड़ी पुरानी है। फिर मेरे जहन में आता है कि हमारी तो मतलब कि वो लेवल की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा इसके वो यूज़र नहीं है ऊद के, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। जो अरब के शेख हैं या जो चाइनीज़ कलेक्टर हैं, क्या वो इतने विंटेज ऑयल्स को छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दे आर अरबपति, दे हैव नो मनी इशू एज एट ऑल, दे आर आई मीन बिलियनर्स और मिलियनर्स, दे कैन ईजिली होल्ड डैट विंटेज ऑयल। बट होता क्या है, वो ऑयल एक सेलर या एक ब्रांड जो है रिप्यूटेड ब्रांड कह लें आप, वो उसको उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो उसको विंटेज या पुराना या उसको कलाकासी कह देगा। कलाकासी इज ऑल्सो एन अ टर्म जो एक
पुराने ऊद को दी गई है, ऑल्दो देयर इज नथिंग, कोई कलाकासी शलाकासी कोई चीज नहीं है, इट्स ओनली ऊद, ठीक है। 10 साल पुराना फाइन, 20 साल पुराना फाइन, इवन आप 25 साल पुराना कर सकते हैं। यानी आज मेरी जो एज है, अगर मैं कोई ऊद ऑयल लेके मेरे कबर्ड में पड़ा है या ये पड़ा हुआ है 3-4 साल पुराना, बट ये इतना ही है जी। अगर मैं 20 साल बाद भी इसको निकालूंगा, ये इससे कम हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैं इतना ही ऑफर कर सकता हूँ। कभी भी कोई ये नहीं करेगा या मैं ये नहीं करूंगा कि मैं 1 लीटर ऊद ऑयल मट्टी में दबा के 50 साल अपनी गुजारूं और उसके बाद मैं दुनिया से चले जाऊं और उसके बाद मेरा जो बेटा है या जो उसका बेटा है वो उस 1 लीटर ऑयल को निकाले और बेचना शुरू कर दे। इट विल नेवर हैपन। सो ये जो टर्म है इसको मैं एड्रेस करना चाह रहा था कि ये जो विंटेज ऑयल कहते हैं 100 साल पुराना, 150 साल पुराना, ये क्या, डू यू थिंक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डू यू थिंक दैट मेक सेंस टू यू, या मे बी आई एम रॉन्ग, ये भी पॉसिबिलिटी है मैं गलत हूं। आई वुड अप्रिशिएट कि आप में से कोई भाई या जो लोग इसके ऊपर ज्यादा मतलब के जिनकी ग्रिप है वो मुझे समझाएं कि वेयर आई एम रॉन्ग, और क्या इतने पुराने ऊद ऑयल आज के दौर में अवेलेबल होंगे, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने। ये वीडियो का टाइटल मैंने 1000 साल पुराना इसलिए रखा ताकि आप लोग इस वीडियो पर लैंड करें एंड यू विल एबल टू, आई एम एबल टू एड्रेस यू, कि हम इस सिचुएशन के ऊपर बात कर सकें कि क्या ये जो टर्मिनोलॉजी है, क्या ये मार्केटिंग गेमिक है कि हमारे पास इतने साल पुराना या इतने 100 साल पुराने ऊद पड़े हुए। और इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।